क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 गुना लार्जर नंबर से। फाइंड द टू नंबर्स, हमें वो दो नंबर मालूम करने हैं। लेट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। जो हमने लार्जर नंबर लेट किया वो एक्स है। एंड द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई, और जो हमने स्मॉलर नंबर लेट किया वो वाई है। इसके आगे हम करते हैं, हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का 8 गुना ज्यादा है लार्जर नंबर से। हम स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 गुना ज्यादा है लार्जर नंबर से, और हमारा लार्जर नंबर है एक्स, हमने लेट किया था, और इक्वल टू में आ जाएगा एक्स। दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन में दी गई डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, और हमारा लार्जर नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। इसे आगे करते हैं कि जो हमारा ये एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज आएगा, और वाई स्क्वायर की जगह हम यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, हम वाई स्क्वायर की जगह 8x लिखेंगे और इक्वल्स टू में 180 एज इट इज। और एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 180 इक्वल टू के इस साइड है, जब हम इसको इस साइड लाएंगे ये प्लस में और इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 180 और इक्वल टू में हम जीरो कर देंगे। इसके बाद हमने 180 के फैक्टर करने, जो मैंने ये इधर ये किए हुए हैं, ये पहले हम 90 को यहाँ से करेंगे, ये टू आ जाएगा। मैंने ये 180 के फैक्टर किए हुए हैं, इनमें से दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको माइनस करके माइनस 8 आ जाए। तो हम पहले करते हैं 2 × 5 इक्वल टू में 10 आ जाएगा, फिर 2 × 3 × 3 इक्वल टू में 8, हम 10 में से माइनस 18 करेंगे इक्वल्स टू माइनस 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ये हमारा एज इट इज आ जाएगा, और प्लस में हमने जो किया 10x माइनस 18x, यहाँ लिखते हैं 10x माइनस 18x, ये हमने माइनस 8x के वो फैक्टर निकाले थे, माइनस 180 एज इट इज इक्वल टू में 0 एज इट इज। अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, और इसमें से कॉमन आ जाए एक्स स्क्वायर है, एक्स एक कॉमन ले लेते हैं, और अंदर बचेगा एक्स प्लस 10, और माइनस 18x माइनस 180 में से माइनस कॉमन आ जाएगा, 18 के टेबल में 180 भी आता है, यहाँ 18 भी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा एक्स माइनस 18 10 जा 180 आता है 180 और इक्वल टू 0 एज इट इज। एक्स प्लस 10 और एक्स प्लस 10 हम यहाँ कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 10 और एक्स माइनस 18 ये हम इधर इकट्ठा लिखेंगे, एक्स माइनस 18, और इनका ब्रैकेट हटाएंगे जब एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स ये 10 इक्वल टू के इस साइड है प्लस में है, जब इस साइड जाएगा माइनस में, एक्स इक्वल टू माइनस 10 और ये 18 इस साइड माइनस में है और उस साइड जाएगा तो प्लस में, एक्स इक्वल टू 18। हमने लार्जर नंबर की वैल्यू मालूम करनी थी, लार्जर नंबर हमारे पास यहाँ एक्स है, और एक्स की वैल्यू इधर माइनस 10 है और इधर एक्स इक्वल टू 18 है। लार्जर नंबर की वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और एक्स की वैल्यू है एक्स इक्वल टू 18। अब हमने वाई की वैल्यू पुट करनी है, जो ये इक्वेशन है हम इसको यहाँ लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 और एक्स की जगह हम 18 जो हमारी वैल्यू निकली है इसको पुट करेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 18, और आगे लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 को 8 से मल्टीप्लाई किया 144, और हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमें यहाँ पे रूट लगाना है, और इस साइड में भी रूट लगेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल,
और यहाँ दो पेयर बन जाएंगे 12 × 12 और वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई इक्वल्स टू 12 और ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। हमने लार्जर नंबर फाइंड करना था, यहाँ पे लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर इक्वल टू 18 और स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 12 और ये हो जाएंगे हमारे आंसर।